कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को वक्त रहते इलाज मिलने पर बचने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए जरूरी है कि शुरुआती स्टेज पर ही इसका पता लगा लिया जाए। कॉमन लक्षण के जरिए कैंसर के बारे में बताया लगाया जा सकता है। लोकल हेडिंग के जरिए हम आपको बताते हैं कि कई बार शारीरिक बदलाव को अनदेखा करते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी का रूप ले लेते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर से। सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में जो रहते हैं वो है हेड एंड नेक कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर, महिलाओं में होने वाले ओवरीज और यूट्रस के कैंसर, लंग कैंसर, ये बहुत कॉमन कैंसर्स हैं। अब इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर का कॉमन लक्षण होता है कि ब्रेस्ट के अंदर गठान होना जो कि पेनलेस है, मुंह के अंदर कोई ऐसा छाला जो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है लेकिन फिर भी भर नहीं रहा है, बेवजह वेट लॉस होना, पेशाब में या लैट्रिन के रास्ते से खून आना, लैट्रिन काली आना, पेट दर्द बने रहना, पेट में सूजन आना, पेट में पानी भर जाना, खांसी आना, बहुत लंबे समय तक सूखी खांसी आना या फिर खांसी के अंदर खून आना, थूक गुटकने में या खाना निगलने में दर्द होना या फिर खाना नहीं निकले जाना, गर्दन के सामने की ओर कुछ गठान होना, ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कैंसर को हो सकते हैं, कैंसर के हो सकते हैं। कि कैंसर होता क्यों है? तो कैंसर होने के कई सारे कारण होते हैं। पहला मुख्य कारण होता है तंबाकू, मद्यपान करना, सिगरेट पीना, ये सबसे कॉमन कारण होता है। ये गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, किडनी कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सारे प्रकार के कैंसर तंबाकू या उनके सेवन से हो सकते हैं। दूसरा एक रीजन आता है एक्सरसाइज का जीवन में ना होना, व्यायाम रेगुलर ना करना। तीसरा रीजन है खाने पीने में लापरवाही बरतना, जंक फूड्स खाना, फास्ट फूड खाना, अपना जो सेहत भरा जो खाना रहता है, जो इंडियन डाइट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हरी सब्जियां, फ्रूट्स और मोटा अनाज इंक्लूड होता है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। चौथा कारण हो सकता है अनुवांशिक या फैमिली, जिनकी फैमिली के अंदर कैंसर चलता आया है, हो सकता है कि वो भी एट रिस्क हैं कैंसर के लिए। कुछ कारण एक ओल्ड एज भी होता है, जैसे जैसे अपना शरीर बूढ़ा होता जाता है तो अपनी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर एक नेचुरल ही बदलाव आता जाता है जिसके कारण से कैंसर हो सकता है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत आम कारण है। और कारण की अगर अपन बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लिवर कैंसर हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से सर्विक्स कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है, एब्स्टीन वायरस होता है जिससे लिम्फोमा नामक कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर की बात करें तो स्मोकिंग है, ये जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो भी लंग कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। और कुछ केसेस में अपन को कारण आता है कि इन कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। तो कैंसर बचाव के लिए अपने आप को फिट रखना, अपनी डाइट में ध्यान देना, मदिरापान, तंबाकू, स्मोकिंग, इन सबसे दूर रहना। चौथा, अगर आप किसी भी सिम्टम्स जो भी आपको आते हैं उसको तुरंत आप अगर डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो भी हो सकता है कि अपन जो कैंसर अपन को स्टेज 3 स्टेज 4 में पता चले वो अपन को पहले ही मालूम चल जाए। मैंने जेनेटिक्स की बात करी, फैमिली हिस्ट्री की बात करी, अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आजकल अपने पास कुछ जेनेटिक टेस्ट है जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये जो उसको कैंसर हुआ है वो किसी आनुवंशिक बीमारी का हिस्सा है या नहीं है। अगर उस टेस्ट में पाया जाता है कि इसके अंदर कुछ आनुवंशिक बीमारी का हिस्सा है उस मरीज को, तो हमको उस मरीज के आसपास के जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आपको भी ये आनुवंशिक टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके अंदर वो आनुवंशिक गतिविधि चल रही होगी तो अपन उसको टेस्ट के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है और आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप उस कैंसर के एट रिस्क हैं या नहीं। तो अपन उसके पहले ही कुछ सर्जरीज कर देंगे या कुछ दवाइयां दे देंगे या आपको स्क्रीनिंग में रख लेंगे ताकि वो कैंसर या तो डेवलप नहीं हो या अगर डेवलप होने में हो तो वो पहले आपको मालूम चल जाए। अगर एक बात और मैं कह रहा था जिसको मैं बोलता हूँ स्क्रीनिंग, इसका मतलब है कि आपको कैंसर बॉडी में डेवलप हो रहा है लेकिन उसका अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया है, आप हेल्दी हैं, फिट हैं, अभी तक कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको, तो इसके लिए एक स्क्रीनिंग मेथड होता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसके अंदर एक मेमोग्राम करके एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये ब्रेस्ट का स्पेशल टेस्ट होता है, इसको एक्सरे बोलते हैं ब्रेस्ट का। इसके अंदर ऐसा है कि अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई छोटी गठान
कोई भी छोटा कैंसर का सेल पनप रहा होता है जिसका कोई सिम्टम्स मरीज को नहीं आता है, इसके पहले ही अपन इस टेस्ट के द्वारा मालूम कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है। हर 32 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है इंडिया में। सर्विक्स कैंसर में भी ऐसा ही है। एक बहुत सिंपल टेस्ट है, उसको पैप स्मियर बोलते हैं। इससे अपन उस वायरस की पहचान करते हैं जिस वायरस के कारण ये सर्विक्स कैंसर होता है। ये सर्विक्स कैंसर होने के 10 से 15 साल पहले ही आप पता लगा सकते हैं कि आपको सर्विक्स कैंसर का रिस्क है या नहीं। मुंह के कैंसर से बचाव के लिए आपको नियमित मुंह की जांच करते रहेंगे तो अपन को मालूम चल सकता है। तो ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA नामक ब्लड टेस्ट है। तो लंग कैंसर के लिए आप लो डोज CT स्कैन का टेस्ट होता है। तो ये कुछ साधारण टेस्ट हैं साधारण कैंसर्स के लिए जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। उनके लिए अपन स्क्रीनिंग से कैंसर को पहले भी डिटेक्ट कर सकते हैं। साकेत मित्तल, मैं कैंसर सर्जन हूँ और कैंसर रोग विशेषज्ञ। अभी HCG कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत हूँ।